स्वाहा शब्द उच्चारण करके देवताओं के विरुद्ध यज्ञ किया जाता है उसको तिलांजलि कहते हैं। तिलों के द्वारा देवताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त ही दिया मैंने खाया पिया। बहुत शुक्रिया तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने मुझे जीने के काबल किया है, तुम्ही ने मुझे जीने के काबल किया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती जमाने में सौ भक्त जनों के दास जनों के बंसी वाला दूर कर हरिओ जो ध्यावे फल दुख बिन से स्वामी दुख बिन से सुख आनंद घर बंसी वाला मेरे घर कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी, ठाकुर शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, ठाकुर बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, तुम पूरण परमात्मा तुम्हें अंतर
ਕਰਿਓ ਰਾਮ ਮਾਨੁਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਤੈ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਕਾ ਸਵਾਸ ਮਤ ਖੋਜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਸਵਾਸ ਕਾ ਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਤੇ ਰਹੋ ਜਬ ਤੱਕ ਘਟ ਮੇ ਸਵਾਸ ਕਬੀ ਤੋ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕੇ ਬਨਕ ਪੜੇਗੀ ਕਾਨ ਸਿਆਵਰ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕਥੇ ਵਜਨ ਜਜਮਾਨ ਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚ ਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ
तस्मै श्री गुरवे
ਬੋਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਯ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਹਰਿ ਪਰਮਾਤਮਨੇ ਨਮਃ। ਪ੍ਰਣਤਾ ਕਲਿਸ਼ਨਾਚਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਉਪਸਥਿਤ ਪੁਣਿਆ ਆਤਮਾਓ, ਹਮ ਲੋਕ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਮੇਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। श्रद्धांजलि सज्जनों चार प्रकार की होती है। श्रद्धांजलि चार प्रकार की होती है। एक श्रद्धांजलि तो जब हम कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, स्वाहा शब्द उच्चारण करके देवताओं के निमित्त यज्ञ किया जाता है, उसको तिलांजलि कहते हैं। तिलों के द्वारा देवताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर जब पूर्ण हो जाता है, देवताओं को विदा किया जाता है, उस समय जो श्रद्धांजलि दी जाती है पुष्पों के द्वारा, उसको कहते हैं पुष्पांजलि। सनातन पद्धति के द्वारा तर्पण किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, तो जल के द्वारा तर्पण किया जाता है पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, उसको कहते हैं जलांजलि। और चौथी श्रद्धांजलि, जब वो दिवंगत आत्मा संसार को छोड़ करके चली जाती है, तब उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए शोक सभा में जितने भी जीवात्मा बैठी होती है, वो भगवान को याद करते हैं। चाहे एक पल के लिए याद करे, चाहे एक सेकंड के लिए याद करे, चाहे एक घंटे के लिए करती है, एक विमान का काम करती है और भगवान के श्री चरणों में जाकर के चढ़ जाती है कि हे महाराज, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों का आश्रय दे। देखिए सज्जनों, इस धरा का नाम मृत्यु लोक है, जहां पर जो जन्म लेगा उसको एक ना एक दिन इस नगरी को छोड़ करके जाना पड़ेगा। झूठा ए संसार जो बंदिया, झूठा ए संसार, झूठा ए संसार जो बंदिया, झूठा ए संसार, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਯੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, दुनिया की कोई वस्तु उठा करके देख लीजिए, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इसने इतने साल तक चलना है, इस वस्तु ने
इतने साल तक चलना है, दुनिया के हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, परंतु एक मानव शरीर है जिसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। कब इस संसार से छोड़ करके चले जाना है। दुनिया में मरना बिल्कुल सत्य है। ये गरुड़ पुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्लेटफॉर्म है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 18 ग्रंथ है। 18 ग्रंथों में केवल दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। 16 ग्रंथों में, 100 उपनिषदों में, 4 वेदों में भगवान श्री भगवान उवाच ये शब्द नहीं मिलेगा। केवल एक गरुड़ पुराण की कथा और एक ये जो बच्चे वितरण कर रहे हैं भगवत गीता, ये दो ही सनातन धर्म के ग्रंथ हैं जो देववाणी कही गई है, भगवान विष्णु की वाणी जिसको कहा गया है। एक गरुड़ पुराण की कथा और एक भगवत गीता, ये दोनों ग्रंथ भगवान के मुख से निकले हुए ग्रंथ हैं। तो इसलिए सज्जनों, ये गरुड़ पुराण की कथा में कुछ नहीं लिखा है, इसमें मेरी भी कथा है, जो संसार में जन्म लेता है उसकी कथा है। पहले अध्याय में भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, धर्मराज के उस मंदिर को सुनना चाहता हूं। तो भगवान ने पहले अध्याय में बताया कि हे गरुड़, जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब काल अचानक आकर के उस जीवात्मा को घस लेता है और परिवार वालों के बीच में ही वो जीवात्मा संसार को छोड़ करके चली जाती है। वृद्ध अवस्था आ जाती है, उन्हीं पुत्रों के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है ना, उसी प्रकार अपमानित होकर के वो अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान के मार्ग, धर्मराज के मंदिर के मार्ग के बारे में बताया। देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। इसी गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि हे गरुड़, नर्क के लिए तो एक रास्ता है, स्वर्ग के लिए भगवान ने 3 रास्ते बनाए। स्वर्ग जाने के लिए भगवान ने 3 रास्ते बनाए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। जो दक्षिण का मार्ग है वही नर्क की ओर जाता है। फिर आगे चल करके पापी जीव कब संसार में जन्म लेते हैं, पुण्य आत्मा कब संसार में जन्म लेती है, ये भगवान ने बताया। फिर पिंडदान दशाही करने का क्या महात्म है, किस प्रकार उसका संस्कार करना चाहिए, पिंडदान दशाही करने से क्या पुण्य मिलता है, ये भगवान ने इसमें बताया है। और सूत का निर्णय किया, शैया दान 13, ब्राह्मण को जो भोजन करवाया जाता है उसका क्या पुण्य है। तो ये कथा मेरी और आपकी है, इसमें जन्म से लेकर मरण पर्यंत का वृत्तांत भगवान ने कहा है। और सबसे सुंदर बात भगवान ने कही कि जैसे घड़ी की सुई दिन रात भ्रमण करती है, यदि पुण्य कर्म किए हैं तो भैया मरने के बाद एक स्वर्ग को छोड़ता है, दूसरे स्वर्ग की ओर चला जाता है। मानुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, एक सुख दूर होता है, दूसरा सुख उसके बाद चला।
ये गरुड़ प्राण की कथा जब पूर्ण हो गई तो गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, ये नारायण जो कलयुग का जीव होगा, एक एक जीव के ऊपर सौ सौ काम होंगे, सौ काम किसी ने छोड़ना नहीं और आपके नाम का भजन किसी ने करना नहीं। तो भगवान ने कहा कि गरुड़, पहले तो कलयुग में मेरे से बड़े चार देवता होंगे, पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा घर में आया हुआ मेहमान। ये तीर्थ सबके घर में विराजमान है, इनकी सेवा करो। और फिर भगवान ने कहा कि राम राम, तुलसीदास जी ने कहा राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ बल हो। हमने कलयुग में जन्म लिया है सज्जनों, सतयुग द्वापर त्रेता मैंने देखा नहीं, जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपने पिताजी से अनुभव किया है, जो संतों के मुख से मैंने सुना है, उठा करके कितने कितने हजार वर्ष तक तप करना पड़ता था। कलयुग उपाय थी भूतले, भगवान ने कलयुग को विशेष करके डिस्काउंट दे रखा है, विशेष करके तुरंत प्राप्त हो। इसलिए जो पाप आज से पहले हो गए मत घबराइए, क्योंकि अजामिल की कथा तो आप वैकुंठ पहुंचा दिया था। भगवान की एक प्रकट लीला मेरे को याद आ गई, द्वारका में विराजमान थे भगवान, तो वृंदावन के संत भगवान के दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही भगवान उस समय चौसर खेल रहे थे, अपनी पटरानियों के साथ चौसर खेल रहे थे, तो जाकर के सेवक ने संदेश दिया, महाराज वृंदावन से संत आए हैं। तुरंत उसी समय चौपर छोड़ दिया और दौड़ करके गए, क्योंकि भगवान के मायके से आए थे ना, भगवान के मायके से आए थे ना संत लोग। अब माताएं तो जानती हैं अच्छी प्रकार, कोई मायके से आ जाए तो फिर जाजी रात को कोई ससुराल पक्ष से आ जाए तो सिर में दर्द, सिर में दर्द, गैस खत्म, दूध खत्म, और कोई मायके से आती रात को आ जाए तो सूजी का हलवा भी 5 मिनट में तैयार हो जाए। तो इसी प्रकार भगवान के मायके से वो आए थे, बीच में ही चौसर छोड़ दी और दौड़ कर जाकर के मिले, प्रणाम किया, और वो जो संत थे वो भगवान से झगड़ा करने लगे, भगवान से झगड़ा करने लगे द्वारकाधीश से। तो द्वारकाधीश ने कहा, अरे भैया महात्मा, आप इतनी दूर से मेरे पास आए हो केवल झगड़ा करने के लिए? तो संत लोग कहने लगे, महाराज देखिए ना, तप हम लोग करते हैं, त्याग हम लोग करते हैं, दिन रात आपके नाम का भजन करते हैं, अरे वो पूतना आई थी आपको मारने के लिए और आपने तो उसको वैकुंठ पहुंचा, सैकड़ों वर्ष पहले ही आपने उस पूतना को, बाल भात्री राक्षसनी जिसका फुल सुंदर नहीं था, जिसका बिहार अचार शुद्ध नहीं था, मदरा पान करने वाली, मांस खाने वाली, उसको आपने वैकुंठ पहुंचा दिया और हम दिन रात आपके नाम का भजन करते हैं, हमको तो कुछ मिला नहीं। तो भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान कहने लगे,
मैं तो संतों के हृदय में निवास करता हूँ। यत्र गायन्ति मम संकीर्तना, जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ करके कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं पर विराजमान होता हूँ। लेकिन उसको मुक्ति देना, माँ यशोदा जैसी उपाधि देना, ये मेरे लिए कठिन हो गया था। मैं धर्म संकट में पड़ गया था। क्यों महाराज? आप इसका अपनी छाती से लगा लिया था, ये कारण था उसको मुक्ति देने का। सज्जनों, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आजकल बड़ा प्रचार हो रहा है, अरे कलयुग है भैया, क्रोध छोड़ दो, लोग नहीं करेंगे तो संसार में विकास कैसे हो? लोग के कारण ही तो हम सब आपस में कोई संत कथा करने के लिए जाते हैं। हम ब्राह्मण लोग संत कथा करने के लिए जाते हैं, बिना लोग के थोड़ी जाते हैं। बड़ा सुनता हूं मैं, हमारे गुरु जी हैं जी, वो कुछ लेते नहीं, बिल्कुल वो पैसे को हाथ नहीं लगाते। भैया जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं लाखों रुपये का, जो वहां पर भंडारा चलता है, वो बिना पैसे के नहीं चलता। वो स्वामी जी आए, वो महात्मा आए, लेकिन वो धन उन्हीं के काम में लगा ना। सुंदर स्टेज बनाते हैं, हजारों रुपये के पुष्प लगा देते हैं। लोभ होना चाहिए, लोभीपन जीवन में नहीं होना चाहिए। क्रोध होना चाहिए जीवन में, परंतु क्रोधीपन नहीं होना चाहिए। काम जीवन में होना चाहिए, यदि काम नहीं होगा तो वंश वृद्धि कैसे होगी। लेकिन कामीपन नहीं चाहिए जीवन में। तो इसलिए सज्जनों, सुंदरकांड है ना, जो बड़ा एक सदमार्ग है, बड़ा सुंदर वो ग्रंथ है। तो फिर क्या करें? अरे भैया, केवल भगवान की कथा सुनिए, जो दो चार पाप रह गए ना जीवन में, वो सब समाप्त हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आप केवल भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनते रहिए, जो पाप हैं वो अपने आप आपको छोड़ करके चले जाएंगे। अरे भैया, ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं रहा, काम छोड़ करके चला जाएगा, क्रोध आपको छोड़ करके चला जाएगा, लोभ आपको छोड़ करके चला जाएगा। जब भीष्म भगवान की शरण में आया ना, पहले बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया था हनुमंत लाल जी ने, भीष्म को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया था, भैया तुम इस नगरी को छोड़ करके चले जाओ। तो बड़ा रोया भीष्म, भीष्म कहने लगा कि मैं इस नगरी में रह तो रहा हूं, ऐसे जीव के बीच में, दांतों के बीच में जैसे जीवा रहती है, उसी प्रकार मैं इस लंका में निवास करता हूँ, लेकिन मैं भगवान को याद करता हूँ। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी कहने लगे, चिंता मत करो, एक बात मेरे को बताओ। क्या प्रभु? क्या राम भक्त बताऊं? अरे भैया, ये बताओ कि दांत पहले जाते हैं या जीवा पहले जाती है? तो भविष्य जी कहने लगे, महाराज पहले दांत जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो कठोर होते हैं, जीवा नर्म होती है, वो अमर रहती है। जब तक संसार में जीव रहता है तब तक ये जीवा रहती है। दांत सबसे पहले जाते हैं, दांत बाद में जाते हैं। हनुमंत लाल ने कहा कि
चिंता मत करो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरेट कैंप लगाने वाले हैं लंका में, उस डॉक्टर का नाम है भगवान रामचंद्र जी महाराज। वो आएंगे, सभी दंतों का इलाज करके चले जाएंगे, सभी राक्षसों को मिटा करके चले जाएंगे, चिंता मत करो। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया कि लंका को छोड़ दो। तब प्रभाव ऐसा था, कथा तो हम भी सुनते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम भी मीरा की तरह नाचे, सुदामा की तरह त्याग करें, लेकिन सत्संग में हम बैठते हैं एक घंटा और संसार में कितनी समय व्यतीत करते हैं, 12 घंटे तो करते ही हैं कम से कम। तो यही कारण है, यही कलयुग का प्रभाव है। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन जब लात लगी तब जाकर के भगवान के चरणों में गिरा। हमारी भी व्यवस्था ऐसी ही है, एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में अपने घर में बैठा हुआ रो रहा था, अरे भगवान मुझको उठा लो, अरे भगवान मुझको उठा लो। तो उधर से नारद जी महाराज जा रहे थे, जब नारद जी महाराज जा रहे थे तो नारद ने देखा बड़ा दुखी आत्मा है, बड़ा रुला रहा है, तो पूछा जाकर के महाराज क्या बात होगी सेठ जी। अरे नारद जी महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, आपकी तो भगवान से सीधी बात का लाभ है, मेरा ब्रंट निकलवा दो ना, मेरा लेटर ले आओ महाराज, मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ। तो नारद जी को बड़ा उसके ऊपर दया आई, संत तो संत ही होते हैं। तो नारद जी महाराज कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। 6 महीने बाद जब नारद जी लौट करके आए उस घर में, तो आकर के क्या देखा, वो ही बूढ़ा गोद में एक बालक को लेकर के लोरियां दे रहा था। तो नारद जी ने आकर के कहा लो भैया तुम्हारा मैं प्रण लेकर के आया हूँ, धर्मराज की डायरी से निकाल के लाया हूँ, चलो। अरे नाथ जी आपने तो देरी कर दी, अब देखो ना पोता हो गया है, अब इसको कौन संभालेगा, बेटा नौकरी करने चला जाता है और घर में बहू है और ये मेरे पास रहता। नाथ जी को समझा करके लौटा दिया। 1.5 साल बाद जब बेटा उठ करके आए, आकर के कुंडी फटकाई, अब शरीर में जान पड़ गई थी, बहू ने बढ़िया परौठे चलाने शुरू कर दिए, अरे बढ़िया बहुत बढ़िया नौकर मिला हुआ है, दूध में पत्ती डाल करके पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी, चलो तुम्हारा ब्रंड लेकर के आया हूँ। तो वो कहने लगा महाराज अब दो संभालेगी, थोड़ी देर बाद फिर चलेंगे, कोई बात नहीं। तो नाथ जी लौट कर आए, चले गए, फिर तीसरी बार उसके ब्रंट लेकर के आए, तो ये मिले, बढ़िया सेवा होने लगी, भी बच्चों को संभालता है, बच्चों को ऐसे उछाल रहा था। नाथ जी ने दरवाजा खटकाया तो जो अवे जी, अवे कौन है, अरे नाथ कैसे आए, अरे भैया तू तो उससे दुखी हो रहे थे तो दीप बढ़ा देता, तो संतों नाम तो उसके थे नहीं, और बच्चे को ऐसे उछाल रहा था और बच्चे ने इतना अपमान हो रहा है तेरा संसार में, खैर जाइए नाथ जी महाराज आपको क्या पता, तो गंगा जल की सम्मान हो रहा है। तो कहने की व्यवस्था, ये कथा मेरी सुनाने का क्या भाव, अपमान हो रहा है हमारा, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते।
भभीषण शरण में गया जब भगवान के, तो भभीषण ने भगवान राम ने पूछा, अरे भभी तुम तो मेरे बारे में जानते नहीं थे। तो कहने लगा, महाराज आपका ये भक्त आया था ना, मेरे मन में लालसा हुई, अरे जिसकी कथा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भविष्य भी कहने लगे, महाराज मन में एक ही लालसा थी, जब आपकी कथा सुनी तो मैंने कहा, अरे जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो ठाकुर कितना सुंदर होगा, वो भगवान कितना सुंदर होगा, इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। सज्जनों, यदि पहले भगवान की शरण में भविष्य चला जाता तो आज घर घर में जैसे राम दरबार में हनुमान जी की फोटो लगती है ना, उसी प्रकार भविष्य की भी फोटो लग जाती। नाम रखने के लिए तैयार नहीं, हनुमंत लाल का तो नाम रख लेते हैं हनुमान जी महाराज। तो कहने का भाव क्या कि संसार में रहिए लेकिन उस भगवान को जरूर, मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त ही दिया, मैंने खाया पिया है तेरा ही दिया, न मिलती जमाने में सौगात तेरी तो क्या औकात मेरी, न मिलती जमाने में सौगात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्ही ने मुझे जीने के काबल किया है, तुम्ही ने मुझे जीने के काबल किया है, तेरा शुक्रिया। भक्त जनों के दास जनों के बंसीवाला गुर करे हरि।
दुख बिन से मनता स्वामी दुख बिन से मनता सुख आनंद धर बंसी वाला मेरे घर कष्ट मिटे तन का हरिओम जय मात पिता तुम शरण पढ़ु मैं ठाकुर शरण पढ़ु मैं तुम बिन और न ठाकुर बिन और न आस करूं मैं किस तुम पूरण दास लातूर करी हरिओम
ਸਰ ਹੋਇ ਨ ਪਾਇ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਸਖੀ ਜੀਓ ਨਿਰਜੇ ਬਜਿਓ ਰਾਮ ਮਾਨੁਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਤੈ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿਰਕਾ ਸਵਾਸ ਮਤ ਖੋਜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਸਵਾਸ ਕਾ ਆਨਾ ਹੋ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਤੇ ਰਹੋ ਜਬ ਤੱਕ ਘਟ ਮੇ ਸਵਾ ਕਬੀ ਤੋ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕੇ ਬਨਕ ਪੜੇਗੀ ਕਾਨ ਸਿਆਵਰ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਹਿਤ ਦੇਵਜ ਜਜਮਾਨ ਸੇ ਗ੍ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚ ਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਖਲਵਾਇਆ ਬੇਟਾ।